brought to you by YourQuote, an app that makes you write and perform. So everyone says life is full of instances. जिंदगी घटनाओं से भरी हुई है. मैं नहीं मानता. इंडिया में तो आओ, कांडों से भरी हुई है. कांडों से मतलब रोज ही कुछ नया कांड हो रहा है, रोज ही कुछ. अब बंदा खाली भी बैठा होगा ना, तो हमारे नेताओं को भी चैन नहीं होता. हमारे नेताओं को भी चैन नहीं होता. तुम खाली बैठो और कुछ नहीं तो जाओ मुर्गी बदल के रखे, नहीं आ जाते हो. अब ऐसे होता है, मेरी भी जिंदगी में बहुत कांड हुए. एंड इफ यू बिलोंग टू अ स्मॉल सिटी, तुम्हारी जिंदगी में कांड होंगे ही होंगे, इस बात की गारंटी है. ये कांड है, प्यार है, सबको होता है. शौक शौक में हमने भी कर लिया, तो भाई कर लिया था, अब हो गया. एक बार की बात है, सुबह का ट्यूशन था. तो द थिंग इज, सुबह का ट्यूशन इज दैट कि बच्चे आएंगे ही नहीं और टीचर को भी मुफ्त की फीस मिल ही जाएगी. लेकिन साहब हमें तो प्यार था, हम तो भाई आधा घंटा पहले ही तैयार हो लिए. ठंड का मौसम था, स्कूटी निकाली, एक जेब हाथ में, दूसरा हाथ स्कूटी के दूसरे हैंडल पे, और स्कूटी चलाए गए. स्कूटी चलाते चलाते ये समझ नहीं आया कि ख्वाबों में कब खो गए हैं. जब होश आया तो सामने साइकिल थी, बचने का कोई औसत नहीं थी, तो हमने भी बात. अब इस सिचुएशन में नॉर्मल इंसान क्या करता? परेशान होता, हद से हद भगवान को याद करता. और तुम्हारा भाई तो नॉर्मल है, भाई साहब टप्पे गिन रहे हैं, कितने बार हूं, कुछ 11 बार टप्पे खाए थे, कलामंडियां खाई थी. उसके बाद उठे तो देखा कि जिसे ठोका है वो बच्चा है. अरमानों के साथ पानी फिर गया हाथ छोड़ने के. अब अरमान, लोग कहते हैं टीवी बहुत बेकार चीज है. नहीं जी, टीवी ने कुछ डेवलपमेंट कराया है, स्पेशली बुड्ढों में. मतलब जिस उम्र में पूजा की थाली लेके जाना चाहिए, सुबह सुबह बंदा कैमरा उठाए रिकॉर्डिंग कर रहा है. और कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए. उस टाइम मुझे समझ में आया, चाइल्डहुड इज सिमिलर टू वोल्टेज. क्योंकि उस वीडियो में ना तो मेरी शक्ल आ रही थी, ना मेरी स्कूटी पे नंबर प्लेट थी. मतलब चचा सेंस ही नहीं लगा रहे थे, चचा तो बस अपना काम कर रहे थे. हो सकता है मेरी मदद कर देते तो दुआ भी दे देता. अब मेरे अरमान फिर जाकर, ऐसे मत देखो, हाथ छोड़ने के अरमान जा रहे. हमने स्कूटी उठाई और चल दिए, क्योंकि भीड़ घटती होनी चालू हो गई थी और किसी और के अरमान जा सकते थे. अब ट्यूशन के बाहर पहुंचे, दोस्तों को बुलाया, पूरा सिचुएशन बताई. अब दोस्त, दैट वाज द पीरियड आई वाज द विक्टिम ऑफ दैट. एंड दोस्त भी लाइक, तू सही है, वो गलत था. बच्चे हैं, पॉपुलेशन का ध्यान नहीं होता, पता नहीं रहता बच्चे कहां पे, बस कर करके छोड़ देते. मेरे, अब हम हॉस्पिटल पहुंचे, मेरी किस्मत इन द सेंस बहुत खराब, हद से हद कबाड़ है. इस बात से समझ जाओ मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं. अब हम हॉस्पिटल में पहुंचे, सामने वही बच्चा अपने पापा के साथ बैठा था. एंड द होल प्रोसीजर ऑफ बैंडेजिंग, वो मुझे ऐसे घूर रहा था कि भाई साहब अभी मारेगा और अभी खाएगा. ठीक है, बैंडेजिंग हो गई, इंजेक्शन भी लग गए. उठे हम तो उसके पापा हमारे पास आते हैं, बेटा इस बच्ची को तुमने ठोका है क्या? मैं कहा बच्ची, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई. मैंने ऐसे तो साइड से देखा अंकल, उनकी बेटी को, और ऐसे देखा अंकल को. मुझे लगा हो सकता है शायद अंकल को डाउट हो, लेकिन फिर थोड़ी होशियारी दिखाई. गलती तो हमारी थी कि हाँ भाई अंकल जी मैं ना था, कोई और हवाला होगा. अब वहां से हम निकल पड़े. वहां से निकलते निकलते एक स्टेज होती है, एट द एज ऑफ 18 हो, तुम्हारे साथ 8 बंदे हो, तुम भाई साहब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हासिल कर लाओगे. तो मैं तो डरानी और कंफ्यूजन पर दूर करना भी जरूरी था. तो हम भाई अंदर को लेके गए खोपचे में, और ओवर एजुकेटेड वंस इन द साइड कॉर्नर. तो अंकल से पूछते हैं, अंकल एक बात बताइए, बहुत जेंटली पूछा था मैंने, अंकल एक बात बताइए, ये लड़का है लड़की? अब अंकल फंसे, अब मुझे ये तो समझ में आया नहीं किस पे या कहां.
तो बस यही इंसिडेंट था। अब हम बाहर निकले, अब किस्मत इतनी बुरी थी कि हम बाहर जैसे निकले तो वही कुत्ता सामने था। और लोग कहते हैं ना लड़का लड़की एक बराबर होते हैं, नहीं जी, इस सिचुएशन पे जेंडर क्या चेंज हुआ था, सस्पेक्ट ही बदल गया। एंड आई वाज लाइक तिवारी, बहुत तेज चला रहा था एंड शी बिकम्स बेचारी को ठोक दिया।